आज हम विभाग ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। विभाग ग्रुप, यदि जी एक ग्रुप है तथा एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, तो एच के सभी सह समुच्चयों का समुच्चय जी बाई एच निम्न प्रकार परिभाषित गुणन संक्रिया एच इंटू ए इंटू एच इंटू बी इज इक्वल टू एच इंटू ए इंटू बी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एच इंटू ए बिलोंग्स टू जी बाई एच एंड एच इंटू बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जी बाई एच। के लिए एक ग्रुप होता है जिसे एच के सापेक्ष जी का विभाग ग्रुप या खंड ग्रुप कहते हैं। टिप्पणी, यदि ग्रुप जी की संक्रिया प्लस हो तो जी बाई एच की संक्रिया निम्न प्रकार परिभाषित होगी एच प्लस ए प्लस एच प्लस बी इक्वल टू एच प्लस ए प्लस बी। विभाग समूह जी बाई एच के अस्तित्व के लिए एच का प्रसामान्य होना आवश्यक है। थ्योरम 3.9, यदि एन परिमित ग्रुप जी का प्रसामान्य उपग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ जी बाई एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एन। प्रूफ, परिभाषा अनुसार ऑर्डर ऑफ जी बाई एन इज इक्वल टू जी में एन के भिन्न भिन्न दक्षिणी या वाम सह समुच्चयों की संख्या इक्वल टू जी में एन का सूचकांक इक्वल टू जी में अवयवों की संख्या बटा एन में अवयवों की संख्या लैग्रांज प्रमेय इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एन। विभाग ग्रुप के गुणधर्म, थ्योरम 3.10, एक आबेली ग्रुप का प्रत्येक विभाग ग्रुप भी आबेली होता है परंतु विलोम अनिवार्यतः सत्य नहीं है। प्रूफ, मान लीजिए एच किसी आबेली ग्रुप जी का एक प्रसामान्य उपग्रुप है तथा ए बिलोंग्स टू जी बी बिलोंग्स टू जी, तब ए बिलोंग्स टू जी कॉमा बी बिलोंग्स टू जी एम्प्लाइज दैट एच इंटू ए बिलोंग्स टू जी बाई एच कॉमा एच इंटू बी बिलोंग्स टू जी बाई एच। चूँकि एच इंटू एच इंटू बी इज इक्वल टू एच इंटू ए बी इक्वल टू एच इंटू बी ए, क्योंकि जी क्रम में है इसलिए ए बी बराबर बी ए इज इक्वल टू एच इंटू बी इंटू एच इंटू ए। इस प्रकार हम देखते हैं कि एच इंटू ए बिलोंग्स टू जी बाई एच कॉमा एच इंटू बी बिलोंग्स टू जी बाई एच इम्प्लाइज दैट एच ए इंटू एच बी इक्वल टू एच बी इंटू एच ए, इसलिए जी बाई एच भी क्रम विनिमेय है। कन्वर्स, इसका विलोम सत्य नहीं होता है। थ्योरम नंबर 3.11, एक चक्रीय ग्रुप जी का प्रत्येक विभाग ग्रुप भी चक्रीय होता है किंतु विलोम अनिवार्यतः सत्य नहीं है। मान लीजिए एच किसी चक्रीय ग्रुप जी जनरेटेड बाय ए का एक प्रसामान्य उपग्रुप है। चूंकि जी का प्रत्येक अवयव ई की पावर एन एन बिलोंग्स टू जेड के रूप में है, अतः मान लीजिए एच इंटू ए का पावर एन बिलोंग्स टू जी बाई एच, तब एच इंटू ए की पावर एन इज इक्वल टू एच इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू एन बार इक्वल टू एच इंटू ए इंटू एच इंटू ए इंटू एच इंटू ए एन बार। चूँकि एच इंटू ए बी इज इक्वल टू एच एच ए इंटू एच बी इज इक्वल टू एच इंटू ए का होल पावर एन, इसलिए जी बाई एच इज जनरेटेड बाई एच इंटू ए। अतः जी बाई एच भी एक चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक एच इंटू ए है। कन्वर्स, इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता है।